मेरठ के थाना मवाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर घटनास्थल से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश 2016 से गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। बदमाश भी पुलिस ने पकड़ लिया, वो खेतों में छुपा बैठा था, उसके पास तमंचा मिला, उसका नाम मोनू है। दोनों सातिर किस्म के बदमाश है, मोनू लुटेरा है जबकि सजाद है सातिर किस्म का गोकस है। 2016 से गोकशी के मामले में वांटेड चल रहा था, जिसपे 15,000 का इनाम भी है। इस पर करीब 26 मामले दर्ज है और जिसमें ज़्यादातर मामले गोकशी के हैं, सातिर किस्म का गोकस है। विभिन्न थानों में तमाम अभियोग गोकशी के इसके ऊपर दर्ज है। इसके पकड़े जाने से गोकशी के अपराधों पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और मोनू भी सातिर किस्म का अपराधी है, लुटेरा है, तमंचा मिला इसके पास और ये आज बड़ी कामयाबी मिली है मोहना पुलिस। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश के लिए टीम लगा दी है। मेरठ से आदिल रहमान, पंजाब केसरी टीवी।